नमस्कार, खबर उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। देहरादून से आ रही है, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसान डायरी का किया विमोचन। उद्यान विभाग की है किसान डायरी, वसंतोत्सव को लेकर दी जानकारी। इस साल 3 दिन का होगा वसंतोत्सव। उत्तराखंड के पुष्प वन उपज सबसे अलग। 3 मार्च से 5 मार्च तक चलेगा वसंतोत्सव, राजभवन में चलेगा वसंतोत्सव। टिमरू को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर पौधा। कार्यक्रम में 186 पुरस्कार किए जाएंगे वितरित। कार्यक्रम को दिया जा रहा भव्य रूप। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, देहरादून से आ रही है, जहां पर राज्यपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वसंतोत्सव को लेकर जानकारी भी राज्यपाल ने दी है। उद्यान विभाग की किसान डायरी का विमोचन भी राज्यपाल ने किया है। उत्तराखंड राजभवन में आगामी 3 मार्च से 5 मार्च तक वसंतोत्सव का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने वसंतोत्सव को लेकर जानकारी दी। इस दौरान राज्यपाल ने उद्यान विभाग की किसान डायरी का भी विमोचन किया। बता दें कि इस बार वसंतोत्सव 3 दिन का रहेगा। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर पौधा टिमरू को बनाया है। रूफ ऑफ गार्डनिंग, बॉन्साई, टेरेरियम, हनी को विशेष रूप से जोड़ा गया है। इस दौरान कार्यक्रम में 186 पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। इसको लेकर कार्यक्रम को भव्य रूप दिया जा रहा है। कार्यक्रम में दिव्यांगों की विशेष एंट्री भी होगी। मुझे बताते हुए, आपसे साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि राजभवन के अंदर में जो बॉन्साई गार्डन है, इसके अंदर में 600 प्रजातियां हैं। दे आर 600 स्पीसीज ऑफ बॉन्साई। अपने आप पे अलग कला है और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के वृक्ष हैं उसके अंदर में। और उसके अंदर में एक एक पेड़ अपनी कहानी कहता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में युवाओं को रोजगार देने के लिए रोजगार मेले का आयोजन कराया गया, जिसमें वीसी के जरिए पीएम मोदी ने भी शिरकत की और प्रदेश में कराए जा रहे विकास कार्यों के लिए धामी सरकार की तारीफ भी की। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया और कहा कि उत्तराखंड में केंद्र सरकार हो या बीजेपी सरकार, प्रत्येक युवा को उनकी रुचि और क्षमता के आधार पर आगे बढ़ने के नए अवसर और तरीके सुनिश्चित करने का हमारा निरंतर प्रयास रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें उस पुरानी धारणा को बदलना है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आते। उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना निवेश हो रहा है कि दूर सुदूर तक आना जाना तो आसान हो ही रहा है, रोजगार के भी नए अवसर पैदा हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज जैसे जैसे उत्तराखंड के दूर सुदूर के इलाके रोड, रेल और इंटरनेट से जुड़ रहे हैं, वैसे वैसे पर्यटन का भी विस्तार हो रहा है। नए पर्यटन स्थल पर्यटन के मानचित्र पर आ गए हैं, उससे उत्तराखंड के युवाओं को वही रोजगार मिल रहा है जिसके लिए वो पहले बड़े शहरों का रुख करते थे। उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं के लिए ये अद्भुत संभावनाओं का अमृतकाल है, आपको इसे अपनी सेवाओं के माध्यम से निरंतर गति देनी होगी। केंद्र सरकार हो या फिर उत्तराखंड की भाजपा सरकार, हमारा ये निरंतर प्रयास है कि हर युवा को उसकी रुचि के अनुसार, योग्यता के अनुसार नए अवसर मिले, सभी को आगे बढ़ने का उचित माध्यम मिले। सरकारी सेवाओं में भर्तियों का यह अभियान भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है। बीते कुछ ही महीनों में केंद्र सरकार ने देश के लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं। वहीं देहरादून रोजगार मेले में मौजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड खूब विकास कर रहा है।
और उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर प्रदेश के युवाओं से अपील करते हुए कहा कि युवा परीक्षाओं की तैयारी करते रहें, उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है और सरकार की पूरी कोशिश है कि प्रदेश के युवाओं को नौकरी और रोजगार प्रदेश में ही उपलब्ध कराया जाए और उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी उत्तराखंड के काम आए। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रदेश में रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम कर रही है और लगातार युवाओं के हित में फैसले ले रही है। अगले वर्षों में 10 लाख की नौकरियों के दिए जाने का संकल्प लिया है। उसी क्रम में उत्तराखंड के अंदर भी हमारे यहाँ जो भी पद रिक्त हैं उन सभी के कैलेंडर आयोग ने जारी कर दिए हैं और जो अभी अन्य पद हैं उन पर भी जल्दी जल्दी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अध्याचन भेजे जाएंगे, आयोग को उन पदों की रिक्तियों की सूचना भेजी जाएगी और हमारा प्रयास है कि तेजी से सभी भर्तियाँ हों और इसी प्रकार से जो हमारे रोजगार मिले हैं वो आयोजित किए जाए। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी पहले ही ये ऐलान कर चुके हैं कि उत्तराखंड राज्य की देश के अग्रणी राज्यों में करानी है और पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है। साथ ही प्रदेश के हित में सरकार ऐसे कई कठोर फैसले भी ले चुकी है जो प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जरूरी थे। अब सरकार रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को भी रोजगार देने का काम कर रही है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की धामी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। सतीश कोठारी के साथ देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। पीएम मोदी ने आज उत्तराखंड के रोजगार मेले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में केंद्र सरकार हो या बीजेपी सरकार, प्रत्येक युवा को उनकी रुचि और क्षमता के आधार पर आगे बढ़ने के नए अवसर और तरीके सुनिश्चित कराना हमारा निरंतर प्रयास रहा है। साथ ही पीएम मोदी ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि आपको राज्य के साथ साथ राष्ट्र के निर्माण में भी तन मन से योगदान देना चाहिए और पुरानी धारणा को बदलना चाहिए कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। इसलिए हमारा निरंतर यही प्रयास है कि पहाड़ में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बनाए जाए। आज उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना विषय हो रहा है कि दूर सुदूर तक आना जाना तो आसान हो ही गया, साथ ही रोजगार के भी नए अवसर पैदा हो रहे हैं। नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के युवा साथियों को रोजगार मेले के लिए बहुत बहुत बधाई। जिनको आज नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं उनके लिए आज नई शुरुआत का अवसर है। इससे निश्चित रूप से आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन बदलने वाला है। लेकिन जिस सेवा में आज आप प्रवेश कर रहे हैं वो सिर्फ आपका जीवन बदलने का नहीं बल्कि वो व्यापक बदलाव का माध्यम है। अपने सेवा भाव से आपको राज्य और राष्ट्र में विकास और विश्वास के प्रयासों में अपना भरपूर योगदान देना है। आप में से तो अधिकतर साथी शिक्षा के क्षेत्र में सेवा देने वाले हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारत के युवाओं को नई सदी के लिए तैयार करने का संकल्प आज देश ने लिया है। उत्तराखंड में इस संकल्प को जमीन पर उतारने का दायित्व आप जैसे मेरे युवा साथियों पर के कंधों पर है। साथियों, केंद्र सरकार हो या फिर उत्तराखंड की भाजपा सरकार, हमारा ये निरंतर प्रयास है कि हर युवा को उसकी रुचि के अनुसार
योग्यता के अनुसार नए अवसर मिले, सभी को आगे बढ़ने का उचित माध्यम मिले, सरकारी सेवाओं में भर्तियों का ये अभियान भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है। देहरादून से है जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में हर साल 10 लाख नौकरियां देने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को साकार करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया। रोजगार मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी विभागों में नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर प्रदेश के युवाओं से अपील करते हुए कहा कि युवा परीक्षाओं की तैयारी करते रहे, उनके लिए राज्य सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने संकल्प लिया है, जिसे वे पूरा कर रही है। देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगले वर्षों में 10 लाख जो नौकरियों के दिए जाने का संकल्प लिया है, उसी क्रम में उत्तराखंड के अंदर भी हमारे यहाँ जो भी पद रिक्त हैं उन सभी के कैलेंडर आयोगों ने जारी कर दिए हैं और जो अभी अन्य पद हैं उन पर भी जल्दी जल्दी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अध्याचन भेजे जाएंगे, आयोग को उन पदों की रिक्तियों की सूचना भेजी जाएगी और हमारा प्रयास है कि तेजी से सभी भर्तियां हों और इसी प्रकार से जो हमारे रोजगार मिले हैं वो आयोजित किए जाए। और मैं सभी नौजवान युवा भाई बहनों से सबसे कहना चाहता हूं कि सभी लोग अपनी जो परीक्षा की तैयारियां हैं उन परीक्षाओं की तैयारियां करें और सभी समय पर भर्ती परीक्षाएं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान चमोली पहुंचे और वीर सैनिकों को भूमि सवाड़ शहीद स्मारक पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की है। साथ ही सैनिक संग्रहालय का भी मुआयना किया और क्षेत्र के विकास कार्यों और घोषणाओं पर कितना काम हुआ है इसकी समीक्षा भी की। साथ ही बताया कि गैरसैंण जनभावनाओं का प्रतीक है, उत्तराखंड के पहाड़ों के कष्ट का प्रतीक है, इसलिए उन्होंने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। साथ ही उन्होंने गैरसैंण पर अपनी राय रखते हुए कहा कि पलायन रोकने और स्वरोजगार की जरूरत को देखते हुए उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बनाई गई थी। वो विजन मैंने कहा था जब गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया, जब गजट नोटिफिकेशन किया, आज गैरसैंण हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। जो गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया, मैंने कहा था कि गैरसैंण ये हमारे दूरस्थ का प्रतीक है, गैरसैंण हमारे पहाड़ी क्षेत्र के कष्ट का प्रतीक है, तकलीफों का प्रतीक है। इन तकलीफों को, इन कष्टों को दूर करने के लिए गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है, जब मैंने पहले दिन किया। उत्तराखंड में सख्त नकल विरोधी कानून को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करेगी, जिसके लिए आगामी दो कार्यक्रम तय किए गए हैं, जिसकी जानकारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी। कहा कि पहले चार बड़े शहरों में मुख्यमंत्री का धन्यवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसके तहत 1 मार्च को हल्द्वानी में एक कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही कहा कि जनपदों में भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं महेंद्र भट्ट ने यह भी बताया कि जब ये विधेयक गैरसैंण में सदन के पटल पर रखा जाएगा, उसके बाद मंडल स्तर पर भी युवा रैली निकालकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताएंगे। विरोधी कानून आया है, युवाओं का विश्वास से बड़ा है और अभी तक जो प्रतिभाएं कुंठित होती थी उनके अंदर विश्वास जागृत हुआ है। और क्योंकि हमारे युवा मोर्चे के साथियों ने तय किया है कि मुख्यमंत्री जी का इस विषय को लेकर आभार व्यक्त करेंगे, दो प्रकार के कार्यक्रम दिशा में लिए हैं। एक तो 4 स्थानों पर हम बड़े अपने युवा सम्मेलन और आभार रैली के रूप में करेंगे, जिसमें 1 तारीख को हल्द्वानी में एक कार्यक्रम रहेगा जो माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के एक निजी होटल में श्रीदेव सुमन नगर की कार्य समिति की गोष्ठी प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य समाज के आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का है। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने सभी पदाधिकारियों को आगामी चुनाव के लिए एकजुट होने का आह्वान भी किया।
मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि समस्त कार्यकर्ताओं की बदौलत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और कार्यकर्ताओं के प्रयासों से ही आगामी चुनाव भी जीतेंगे। श्री देव सुमन ने नगर के अंतर्गत 17 लोगों को दायित्व बांटे हैं, जिसमें 13 लोग ऐसे हैं जो नवनियुक्त हैं। श्री देव सुमन मंडल की कार्य समिति यहां पर भी मुझे प्रतिभाग करने का मौका मिला और केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार की योजनाएं वो अपने द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी कार्यकर्ताओं को दी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस चिंतन को लेकर काम कर रही है कि समाज के अंतिम पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति तक विकास की लहर पहुंचनी चाहिए, दीनदयाल जी के इस चिंतन को लेकर हम काम करते हैं, उसको साकार करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हल्द्वानी में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। यात्रा का मकसद कांग्रेस के विजन को लोगों के बीच ले आना है और राज्य केंद्र सरकार की विफलताओं से लोगों को अवगत कराना है। इस मौके पर यात्रा प्रभारी अजय कुमार लल्लू, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश, पूर्व विधायक संजीव आर्य समेत नैनीताल जिला कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रभारी अजय कुमार लल्लू ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से पूरे देश में एकजुटता का संदेश दिया है और उसे अब हम भारत की गली गली तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई है। देश एकजुट हो, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक सदाचार और देश में भाईचारा और मजबूत हो, और आज जरूरत भी है देश को एकजुट करने की, जिससे घृणा और नफरत के बीज बोए जा रहे हैं पूरे देश भर में, देश को विभाजित करने की कोशिश की जा रही है, और जो असल मुद्दे हैं, जो बर्निंग इश्यूज हैं, उनसे देश के आवाम का ध्यान बटाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। सारे बुद्धिजीवियों के साथ एक यात्रा कि देश में समानता हो, भाईचारगी हो, एकता हो, किसान, नौजवान, गांव, गरीब, शोषित वंचितों की आवाज को हर मंचों से, बढ़ती हुई महंगाई, गिरती हुई अर्थव्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। भारत जोड़ो यात्रा की जो भव्यता थी उस श्रृंखला में आगे ले जाते हुए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। धार्मिक उन्माद जो फैला के भारतीय जनता पार्टी राज कर रही, एक दो लोगों को पूरी इस देश की आर्थिक संपदाएं बेच दी, नीलाम कर दी, और जो हमारे नवरत्न है धीरे धीरे डिसॉल्व कर रहे हैं, उसके विरुद्ध बहुत सारी आवश्यकता है समय की। हर घर तक कांग्रेस का संदेश हम पहुंचाएं। श्रृंखला में लल्लू साहब आज यहाँ आए, उनका स्वागत करते हैं। संघर्षशील है, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं और यहाँ कोऑर्डिनेटर है, उनका स्वागत भी। उत्तराखंड में जमीनों का सर्किल रेट बढ़ाए जाने से कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस नेताओं ने बढ़ाए गए सर्किल रेट को वापस लेने की मांग की है। इस संबंध में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ऋषिकेश एसडीएम कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया, साथ ही एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़े हुए सर्किल रेट वापस नहीं लिए जाने पर सरकार को आंदोलन करने की चेतावनी दी। कांग्रेसियों का कहना है कि बीजेपी की सरकार में लगातार महंगाई चरम पर है, ऊपर से सरकार ने जमीनों के सर्किल रेट में बेतहाशा वृद्धि कर दी है, जिसमें मध्यम वर्गीय परिवारों के जमीन लेने का सपना टूट रहा है। सरकार को जनहित में जमीनों के बढ़ाए हुए सर्किल रेट वापस लेने चाहिए। आज सर्किल रेट इतने ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं कि आम आदमी अपने लिए दो कमरे नहीं बना सकता है। तो हम सब ऋषिकेश महानगर कांग्रेस कमेटी के लोग माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि आप इन सर्किल रेटों की दरों को वापस कर, जो पुरानी दरें उन्हें लागू की जाए। इस संबंध में आज उपजिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा गया और साथ ही इसकी प्रतिलिपि माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को भी की गई कि आप भी संज्ञान लें और जनता की समस्याएं सुने। कांग्रेस AICC ह्यूमन राइट्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार पहु ने उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। उन्होंने लालकुआ विधानसभा निवासी गणेश सागर कुमार को कांग्रेस ह्यूमन राइट्स में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। बता दें कि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश सागर ने शीर्ष नेतृत्व द्वारा की गई नियुक्ति पर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रदेश अध्यक्ष करण महारा,
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का आभार जताया, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस सर्व समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है। जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी उत्तराखंड के अंदर, AICC ह्यूमन राइट के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार फूले जी के द्वारा मुझे ये दायित्व उत्तराखंड में दिया गया, और मैं कांग्रेस की जो नीतियां हैं उन नीतियों को घर घर पहुंचाने का काम करूंगा। 2024 में हम उत्तराखंड के अंदर अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका के साथ वापसी करेंगे, और मैं पुनः एक बार फिर से राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व धन्यवाद अदा करता हूं। उधर तराई पश्चिमी वन प्रभाग की आम पोखरा रेंज के अंतर्गत हल्दुआ वन चौकी में एक सीज के ओवर डंपर वाहन रविवार की रात रहस्यमय तरीके से चोरी हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर वन चौकी के कर्मचारियों और अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि रविवार को अवैध खनन रोकने के लिए तराई पश्चिम वन प्रभाग की SOG टीम ने चेकिंग के दौरान एक डंपर वाहन को टीम ने ओवरलोड होने के आरोप में पकड़कर उसे सीज करते हुए हल्दुआ वन चौकी में खड़ा कर दिया था। बताया जा रहा है कि यह डंपर वाहन देर रात वहां से चोरी हो गया। मामले में तराई पश्चिमी वन प्रभाग के DFO प्रकाश चौधरी ने बताया कि इस मामले में चोरी किए गए डंपर वाहन की तलाश की जा रही है। साथ ही वन कर्मियों को डंपर बरामद करने के निर्देश देने के साथ ही कोतवाली में आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि अगर इस मामले में कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पहले तो ये है कि अपना प्राथमिकी दर्ज करा रहे हैं थाने में, कोशिश कर रहे हैं कि थाने में FIR हो जाए, और उन लोगों को जिनके डंपर है उनके ऊपर भी दबाव बना रहे हैं। संभवतः डंपर हमारा वापस आएगा वहीं पर ही, जो लोग ले गए, नहीं तो उनके विरुद्ध FIR की जाएगी। नहीं, लापरवाही होगी तो निश्चित तौर पर उस पर सजा का प्रावधान है, अगर इस तरह की कोई लापरवाही पाई गई तो। सितारगंज में बाइक और ट्रक के बीच आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने घायलों की नाजुक हालत देखकर हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। बता दें सितारगंज अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष शाहनवाज अपने साथियों के साथ किच्छा की तरफ जा रहे थे। दुर्घटना देख वे रुक गए और सड़क पर पड़े घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पांच मिनट पे दो पेशेंट आए, दोनों सड़क दुर्घटना में घायल अवस्था में लाया गया था। इनको एक पहले का नाम करनैल सिंह, इनके 60 साल की उम्र है इनकी, ये समरिया बहेड़ी के रहने वाले हैं, और इनके सर में चोट और नाक से ब्लीडिंग आ रही थी। इनको प्राइमरी उपचार के बाद हमने हायर सेंटर के लिए रेफर किया है। और दूसरा पेशेंट हमारे पास एक महिला थी सरबजीत कौर, इनकी 30 साल उम्र है, ये भी समरिया के निवासी हैं, ये भी इनके भी सर में चोट है, और इनको हमने प्राइमरी उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर किया है। वीरेंद्र नगर मोड़ पे ये हादसा हुआ है कि ट्रक वाले ने इनको मार दिया है, मोटरसाइकिल से थे ये लोग, ट्रक वाले ने इनको मार दिया है। हमारे कार्यकर्ता वो लेकर के इनको हॉस्पिटल में आए, हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है, सारा यहाँ से जो इलाज हो सकता है वो संभव था वो इन्होंने किया है हॉस्पिटल के लोगों ने, उसके बाद इनको रेफर कर दिया है। चौरास मंगसो पुल से एक व्यक्ति ने GVK जलविद्युत परियोजना की नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली है। वहां मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद SDRF और पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसके बाद SDRF के जवान राफ्ट के सहारे नहर में व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन व्यक्ति का कुछ पता नहीं चल पाया। बताया जा रहा है कि नहर में कूद मारने वाला शख्स श्रीकोट का रहने वाला था, जो लंबे समय से अवसाद में था। वो हमें 11 बजे ये सूचना मिली कि यहाँ पर एक आदमी ने कूद मार दी है, यहाँ पे थाने से हमें फोन आया, तो यहाँ पे जल पुलिस की टीम और हमारी SDRF की टीम दोनों यहाँ पे आ गई थी, और काफ़ी देर से हम लोग यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। इनके जो डैम वाले डाइवर्स भी हैं ये भी यहाँ पे आए हुए हैं, और लगातार सर्च हो रहा है, और अभी लगभग हम लोग आगे पुल तक जहां तक इनका मशीन है वहां तक हम लोग। क्रांति दल ने राज्य के विभिन्न मुद्दों को लेकर तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया है, और दल भर्ती घोटाला, बेरोजगारी, अंकित हत्याकांड और बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर हमला बोला। प्रधानमंत्री को उपजल अधिकारी के माध्यम से
ज्ञापन भेजा। इस दौरान दल के जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी सरकार ने जनहित के मुद्दों को नजरअंदाज किया तो कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। क्रांति दल का समस्त जिलों में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है जिसमें महामहिम प्रेषित करेंगे उप जिलाधिकारी के माध्यम से। हमारी मांगे हैं कि जैसी अंकिता हत्याकांड और जो भर्ती घोटाले उनकी सीबीआई जांच करें। उत्तराखंड सरकार द्वारा जिस तरीके से महंगाई, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार जैसे विभिन्न मुद्दों में आज उत्तराखंड त्रस्त है, उस बारे में हम यहाँ पे प्रधानमंत्री को सूचित करेंगे। पूर्व सैनिक संगठन ने तहसील परिसर में अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उप जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा। बता दें, वन रैंक वन पेंशन में आ रही विसंगतियों को लेकर पूर्व सैनिक संगठन ने थराली के देवाल तिराहे से लेकर तहसील कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला और विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से वन रैंक वन पेंशन में आ रही विसंगतियों को दूर करने की मांग की है। भारतवर्ष में ये विरोध मनाया जा रहा है, वहीं हम भी यहाँ पर माननीय उप जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन हम भारत सरकार को देना चाहते हैं जिसमें हमारी वारओपी एक रैंक एक पेंशन के अंदर कई अनोमलीज हैं, कई विसंगतियां हैं जो ऑफिसर्स और जीएसओज वार के अन्य रैंक के बीच में भेदभाव किया गया है। वारओपी के बारे में जो बताया था तो केंद्र सरकार ने क्या कर दिया, उसका जो 15 साल में आया उसका भी एक ही रैंक वही पेंशन दिया, जो 16 साल में आया उसका भी वही पेंशन दिया, जो 17 साल में आया वही वही पेंशन दिया, और जो 20-22 साल में आ रहा उसको भी वही पेंशन दे रहा। हमारा मतलब वन रैंक वन पेंशन का मतलब जो आज नायक आ रहा उसके बराबर उसको पेंशन मिलना चाहिए। जो आज की डेट में जो पेंशन आ रहा हमें वो मिलना चाहिए, बाकी किसी को कुछ भी मिले अफसर को हमें उससे हम कंपेयर नहीं कर सकते। हॉनरी कैप्टन लेफ्टिनेंट उससे नीचे के रैंक को मर्ज किया है 2.57 से और अधिकारियों का हुआ है 2.81 से, क्योंकि नौकरी सबने एक जैसी की, रिटायरमेंट सब एक जैसे हैं, सिर्फ पे अधिकारियों का अलग है, जवानों का अलग है और जैसे का अलग है। इस विषय में जो है जो वो आरोपी 2 है वो सबको एक समान मिले 2.81 के हिसाब से। पूर्व सैनिक लीग पिंडर घाटी यहाँ पर ORP 2 का विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो पेंशन में जो विसंगतियां हैं उसको दूर करने के लिए हमारा एक जुलूस है जिसमें कि पूरे जोश के साथ पूरे सैनिकों ने इसमें बढ़ चढ़। तराई पश्चिम वन प्रभाग के पतरामपुर क्षेत्र में गर्मी की शुरुआत आते ही पानी की तलाश में वन्य जीवों का रुख तराई क्षेत्र तथा आबादी वाले इलाकों की ओर हो जाता है, लेकिन इस बार तराई पश्चिम वन प्रभाग के पतरामपुर में गर्मी के मद्देनजर वन विभाग ने वन्य जीवों को पीने के लिए पानी मुहैया कराने के पुख्ता इंतजाम किए हैं। तराई वन प्रभाग की पतरामपुर रेंज में कच्चे और पक्के 15 वाटर हॉल बनाए गए हैं। कुछ वाटर हॉल में प्राकृतिक पानी है जबकि कुछ वाटर हॉलों को टैंकरों की मदद से पानी पहुंचाया जाएगा ताकि वन्य जीवों को पीने का पानी मिल सके और उन्हें किसी प्रकार की समस्या न हो। बता दें कि हर 2 किलोमीटर की दूरी पर वाटर हॉल बनाए गए हैं जिससे वन्य जीवों को जरूरत के मुताबिक पर्याप्त मात्रा में पीने के लिए पानी मिल सके। आने वाले टाइम बहुत गर्मी का आने वाला है, ऐसे में वन्य जीव जो है आबादी की ओर न जाएं, उनको पीने के लिए स्वच्छ जो है अपना साफ पानी मिले उनको उनके प्राकृतिक आवास में। इसके लिए वन विभाग द्वारा पूर्व से ही लगभग 10-15 कच्चे पक्के वाटर हॉल पतरामपुर रेंज में बनाए गए हैं। अब हमारा ये अपने सर्वेक्षण चल रहा है कि किन जो प्राकृतिक स्रोत हैं जहाँ पर वहाँ पर तो व्यवस्था ठीक है, जहाँ पर जो है प्राकृतिक स्रोत नहीं है वहाँ पर जो है तालाबों की उनकी मरम्मत करवा करके उसमें टैंकरों से पानी डाला जाएगा। समारोह स्थानीय होटल लज्जा पैलेस में धूमधाम के साथ मनाया गया है। इससे पूर्व सभी सखियां पारंपरिक वेशभूषा में सज धजकर कार्यक्रम में पहुंची। कार्यक्रम की शुरुआत में दीप प्रज्वलित के उपरांत सभी सखियों ने एक स्वर सखी बहनपा मैथिलानी समूह के संस्थापक आरती झा को अपनी शुभकामनाएं देते हुए होली की बधाई दी। इसके बाद एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई और शुभकामनाएं दी। फिर नृत्य और गायन का दौर शुरू हुआ। पारंपरिक होली एवं मैथिली गीतों पर समूह की सखियां जमकर थिरकी। कार्यक्रम में शामिल बच्चों ने भी शानदार प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। इस मौके पर रंजिता सखी ने कहा कि अपनी परंपरा और संस्कृति का संरक्षण करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, भावी पीढ़ी को भी अपनी संस्कृति और सभ्यता जोड़कर रखनी चाहिए।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।